जय श्री राम। वेलकम इन जीवी समिति। चलिए हम लोग देखते हैं यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला होता क्या है? तो यूलर्स फार्मूला में फार्मूला होता है f + v + f - e = 2, वेयर v = vertices माने शीर्ष, f माने फेस माने सतह, e माने एज, एज माने कोना। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको याद करेंगे? कितना फार्मूला तो विद्यार्थी लोग इसी भूल जाते हैं। ये फार्मूला याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो याद करने का आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे। रीजनिंग में क्या पढ़े हैं? v का पोजीशन क्या होता है? 22 होता है। फिर f, f का पोजीशन क्या होता है? 6 होता है। फिर e का पोजीशन क्या होता है? 5 होता है। ये पोजीशन होता है रीजनिंग के अनुसार से। उसी तरह से सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? v, v को पहले लिखेंगे, फिर f, f बाद में आता है 6, फिर माइनस e, e क्या है? एज इक्वल टू 2। ये याद करने का एक इजी ट्रिक है, यानी ये मेरा कॉन्सेप्ट है याद करने का। अभी इस प्रकार से याद किए हैं, आप लोगों भी भूलिएगा नहीं। मतलब भी मतलब क्या होता है? वर्टिसेज, वर्टिसेज। एफ मतलब फेस। ये क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक में भी है, और आपका सीटेट, यूपीटेट, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स है, और आपका कॉम्पिटेटिव मैथ, सभी में ये एग्जाम में आता है। और इक्वल टू एज, इसको सॉल्व करना है। जैसे आप लोगों को कोई मान लेते हैं इसमें क्या है, क्यूबाइड है। ये क्या है? क्यूबाइड। इसको समझाने के लिए एक बुक लिए हुए हैं, एक क्लास 10th का आरडी शर्मा का बुक है, जिसमें से जैसे देखिए ये क्या होता है, फेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? फेस। हाउ मेनी फेस इन क्यूबाइड? तो कितना बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना फेस हो गए क्यूबाइड में? कितने फेस होते हैं? यानी 6 फेस होते हैं। फिर क्यूबाइड में 6 फेस होंगे। वर्टिसेज मतलब कोना। कितने वर्टिसेज है? ये क्या हो गए? कोना। ये वर्टिसेज होता है मतलब भी। भी कितने होंगे वर्टिसेज? 1, 2, 3, 4। 4 इधर होंगे, 5, 6, 7, 8। 8 वर्टिसेज इसमें है, तो वर्टिसेज कितना होंगे? 8। तब बोला जाएगा एज कितना होगा, एज कितना होगा, ये निकालना होगा। ये तो आप लोग ने तो ये तो क्यूबाइड है, आप लोग इसका निकाल सकते हैं। मान लेते बड़ा फिगर का दे दिया जाएगा, उसको उसमें निकालने के लिए डिफिकल्ट होगी, इसलिए उसको फार्मूला दिया हुआ था। इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग टीचिंग रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी सीटेट हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया है, और एक नंबर जो विद्यार्थी बना लिए होंगे वो प्राप्त हो गया होगा। तो इसमें एज निकाला, एज मतलब कितने हैं, कितने एज है? मतलब एक एज, 1, 2, 3, 4, ये 4 एज हो गए, 5, 6, 7, 8। एज कितने होंगे? 8 होंगे। एज कितने होंगे? 8 नहीं, एज एज तो 12 होंगे। 8 देखिए, फिर से देखिए काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4। 4 इधर हो गए, फिर इधर बैक साइड आइए, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12। कितने एज होंगे? 12 एज होंगे। कितने एज होंगे? 12। ये तो हम लोग एग्जाम्पल से निकाल लिए, और हम लोग फार्मूलाज कैसे निकालेंगे? तो चलिए फार्मूलाज हम लोग क्या जानते हैं, पहले रीजनिंग के अनुसार से भी क्या है, 22 नंबर पे आता है, पहले भी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है, बाद में कौन आता है? एफ आता है, फिर एफ लिखेंगे, एक माइनस ई लिखेंगे इक्वल टू 2। दैट इज ए यूलर्स फार्मूला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भी, भी का मान कितना? वर्टिसेज। दो चीज गिवन रहेगा, मान लेते ये दो चीज आपको दिया रहेगा, और बोला जाएगा कि ई का मान निकालिए। ई का मान क्या बोलेगा? फाइंड आउट करने के लिए। ई का मान फाइंड आउट करने के लिए कैसे निकालेंगे? भी, भी का मान कितना है? 8। भी का मान 8 है, प्लस एफ। एफ का मान कितना है? 6। माइनस ई इक्वल टू व्हाट? तो एज तो निकालना है इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस ई को इधर ला देते, माइनस ई को इधर ला देते, प्लस ई हो गया 8, 6, 14। 14 में ई प्लस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 में 2 गया 12। तो एज कितना हो गया? 12 हो गया। इस प्रकार से यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट बना, इसलिए इस प्रकार का आपको मतलब वीडियो मिलता रहेगा। ये सीटेट में एग्जाम में आया था इस फॉर्मूला से रिलेटेड, और आपका बीपीएससी 3.0 में यानी टीचिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा। यह बहुत ही मोस्ट यूजफुल था। विद्यार्थी लोग बोले थे सर इस फॉर्मूला को याद करने का टेक्निक बताइए, इसलिए आप लोगों को टेक्निक बताएं। कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।